नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां तकरीबन 5 दिन पूर्व बाजार से गायब हुई 6 वर्षीय बच्ची पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई है। आपको बता दें कि विगत 30 दिसंबर की शाम रीवा जिले के जुड़मनिया गांव के निवासी श्रीलाल कोल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी पत्नी अपनी बच्ची सहित सोमवार बाजार आई थी, जहां से उसका अपहरण हो गया है। 6 वर्षीय बालिका सुतांशा कोल के अपहरण होने की घटना को रीवा SP आबिद खान ने गंभीरता से लिया और कई टीमें गठित कर दी। पुलिस टीम ने पूरे शहर में लगातार सर्चिंग की और ये पाया कि सुतांशा कोल को 2 महिलाओं और 1 पुरुष द्वारा ऑटो से धोबिया टंकी होते हुए नए बस स्टैंड की तरफ ले जाया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मुखबिर तंत्र सक्रिय किए। पुलिस टीम ने पूरे शहर में लगातार सर्चिंग की और ये पाया कि बच्ची को 2 महिलाओं और 1 पुरुष द्वारा ऑटो से धोबिया टंकी होते हुए नए बस स्टैंड की तरफ ले जाया गया है। सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर पुलिस ने सक्रिय किया और आज समान क्षेत्र में किराए के कमरे में बच्ची को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की। इसी के चलते पुलिस ने मानवती रावत, ममता रावत और मोले रावत को अबोध बालिका के अपहरण के आरोप में हिरासत में ले लिया है। बहरहाल अपनी बच्ची को पाकर सुतांशा कोल के माता पिता और परिजन बेहद खुश हैं और रीवा पुलिस को साधुवाद दे रहे हैं। सिविलाइज थाने में रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि 6 वर्ष की बच्ची सुची सुतांशा कोल, ये बच्ची माँ से बिछड़ जाती है और बिछड़ करके फिर मिलती नहीं है। ये बच्ची अपनी माँ के साथ सोमवार बाजार जो यहाँ पे लगता है पूरा में उसमें आई थी और उसके बाद बच्ची मिसप्लेस हो जाती है, माँ को नहीं मिल पाती है। माँ और उसका परिवार रिपोर्ट करने थाने पे आता है। बच्ची बहुत छोटी होने के कारण ये मैटर थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और पहले पुलिस को ये उम्मीद थी कि हो सकता है किसी को मिले तो वो सूचना पुलिस को दे। आमतौर पर ऐसा होता भी है कि कोई छोटे बच्चे अगर गायब हो जाते हैं तो उसके बाद कोई ना कोई को मिल जाते हैं, फिर वो डायल यूनिट को फोन कर देते हैं और पुलिस को सूचना दे देते हैं। लेकिन इस प्रकरण में ऐसा ना होकर इसके विपरीत ये हुआ कि अगले दिन तक कोई सूचना पुलिस को नहीं मिली और जब इसके संबंध में हम लोगों ने कैमरों का निरीक्षण किया जो आसपास के क्षेत्र में लगे हैं तो ये देखने में आया कि प्रकाश चौराहे के पास 2 महिलाएं इस बच्ची को हाथ पकड़ करके और कहीं ले जा रही हैं और एक पुरुष भी आगे पीछे घूमता हुआ उस वीडियो में नजर आया जो स्पष्ट नहीं हुआ कि उनके साथ है कि अलग है। इस घटना इस फुटेज को देखने के बाद ये मामला बड़ा ही गंभीर हो गया क्योंकि दोनों महिलाओं का बच्ची को ले जाना, एक दिन बाद भी पुलिस को सूचना न देना और जबकि प्रकाश चौराहे जैसी जगह सिल्टू प्लाजा से बच्ची गई है, बहुत ही गंभीर ये एक घटना की ओर इंगित करने लगा। इसका ऐसा समझते ही यहाँ पे एडिशनल SP के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई जिसमें हमारे शहर के CSP शिवेंद्र और हमारे DSP राजीव पाठक, इन दोनों लोगों के नेतृत्व में अलग अलग टीमों का गठन किया गया। थाना कुतवाली सिविल लाइन जिसमें कि अपराध दर्ज हुआ था, समान थाना की अलग टीम बनाई गई, क्राइम की विंग की 2 टीमें बनाई गई और विस्तृत रूप से सारे जो कैमरों का अवलोकन किया गया जहां जहां तक कि बच्ची को ट्रेस कर पाए थे। 2 महिलाएं एक ऑटो में बैठाती हैं और साथ में इनके एक व्यक्ति भी रहता है जो कैमोफ्लाज जैकेट जिसको हम लोग बोलते हैं जो मिलिट्री आर्मी में पहना जाता है, उस तरह का एक जैकेट पहने एक व्यक्ति उसमें ऑटो में बैठा के उनको ले जाता है। इसी क्रम में जांच आगे बढ़ाते हुए पूछताछ काफी व्यापक स्तर पे की गई सभी ऑटो वालों से कि कहां कौन पहचान रहा है, ये ऑटो कैसा है, कौन सा ऑटो है। उससे एक ऑटो के बारे में सूचना हम लोगों को क्लियर हुई कि ये ऑटो गुड़ का है, गुड़ में ये ऑटो रहता है, आधार पर उस ऑटो वाले को पकड़ा गया और ऑटो को रिकवर किया गया। बाद में उससे पूछताछ में पता चला कि उन्होंने बस स्टैंड के पास इसको छोड़ा, इस तीनों लोगों को यानी कि 2 महिलाएं और 1 पुरुष और बच्ची। बस स्टैंड में व्यापक रूप से पूछताछ की गई और बहुत सारी जो बसेस जाते हैं उनके ड्राइवर कंडक्टर जितने भी जहां भी जाती हैं सभी को पूछा गया, सभी को फोटो दिखाई गई, बस स्टैंड पे जितनी दुकानें हैं उनसे पूछताछ की गई। हमारी टीम बिल्कुल जैसे अक्सर फिल्मों में लोग दिखाते हैं कि फोटो लेके घूम रही है और पूछ रही है, उस प्रकार से इसमें फील्ड में लोगों ने काम किया और बाद में एक लिंक कंडक्टर के माध्यम से मिला जिसने बताया कि शायद रीवा में उनको सीधी में उनको ड्रॉप किया है, लेकिन वो लिंक तो सक्सेसफुल नहीं हुआ। हमारी टीम आज सुबह सीधी जाने के लिए तैयार हुई थी इसलिए कुछ पेपरों में भी सीधी का पॉइंट आया था, लेकिन उसके पहले
जो 5,000 का इनाम हमने घोषित कर दिया था कि जो भी कोई इसके बारे में सूचना देगा उसको हम 5,000 रुपए इनाम देंगे, वहाँ पे बहुत सारे उपस्थित जो। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है, इसलिए बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग टीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में दैनिक समाचार पत्र गुड मॉर्निंग का ऑफिशियल चैनल है। खबरों में बने रहने के लिए यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए गुड मॉर्निंग टीवी को, और ताजा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकॉन को दबाए।